इधर जर्मनी से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। वहां एक अस्पताल में वेंटिलेटर की आवाज बंद करने के लिए एक बुजुर्ग महिला ने मरीज की जान खतरे में डाल दी। बताया गया कि वेंटिलेटर की आवाज से उसे परेशानी हो रही थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने उसे कई बार समझाया कि वेंटिलेटर बंद करने से मरीज की मौत हो सकती है, लेकिन वो नहीं मानी और मौका मिलते ही उसने बगल में सो रही दूसरी मरीज का वेंटिलेटर एक बार नहीं बल्कि दो बार बंद कर दिया, जिससे उस मरीज की हालत बेहद खराब हो गई। वो मरने की हालत में पहुंच गई। बताया गया कि अगर डॉक्टरों ने वेंटिलेटर का स्विच ऑन करने में और फिर उसका इलाज करने में जरा भी देर की होती तो 79 साल की उस महिला का बच पाना मुश्किल था। खबर है कि मरीज की हालत अब खतरे से बाहर है, लेकिन इस घटना के बाद अस्पताल प्रशासन ने पुलिस से उस आरोपी महिला की शिकायत कर दी, जिसके बाद पुलिस ने हत्या की कोशिश के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया। इस बीच यूक्रेन की जंग की आंच अटलांटिक महासागर तक पहुंचती दिख रही है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका और यूरोप के बीच फैला अटलांटिक महासागर पुतिन के युद्ध का नया अखाड़ा हो सकता है। और यह आशंका इसलिए ज्यादा गहरा गई क्योंकि पिछले महीने ही रूस ने अपनी नौसेना में उफा नाम की सबमरीन को शामिल किया है। बताया गया कि ये पनडुब्बी कैलिब्र मिसाइलों से लैस है और कैलिब्र मिसाइल परमाणु बम दागने में माहिर है। कैलिब्र वो मिसाइल है जिसे चला चला कर रूस ने यूक्रेन की कमर तोड़कर रख दी। रूस की उफा पनडुब्बी इतनी तगड़ी है कि रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी देशों के पास भी उसकी काट मौजूद नहीं। उसमें ऐसे ऐसे उपकरण लगे हैं कि वो आवाज ही नहीं करती और इस वजह से दुश्मन के लिए उसे डिटेक्ट करना बेहद मुश्किल हो जाता है। बात यहीं खत्म नहीं होती। रूस के पास दुनिया की सबसे लंबी सबमरीन भी है। रूस की बेलग्रद पनडुब्बी 608 फीट लंबी है। दुनिया में इतनी लंबी सबमरीन आज तक किसी देश ने नहीं बनाई, अमेरिका ने भी नहीं। और अब लड़ाई सिर्फ सबमरीन वर्सेस सबमरीन की नहीं है, टेंशन की बात यह है कि रूस रिसर्च करने वाले जहाज भी बना रहा है। और सबमरीन और रिसर्च शिप समंदर के अंदर बिछे इंटरनेट केबल और गैस पाइपलाइनों के जाल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर ये केबल और पाइपलाइन रूस के हाथ लग जाएं तो किसी भी देश का भट्टा बैठ सकता है। और पुतिन की हिटलिस्ट में पहले नंबर पर ब्रिटेन है। ब्रिटेन उत्तरी अटलांटिक महासागर से लगता है और जंग की शुरुआत से ही पुतिन की आंखों में चुभ रहा है। ब्रिटेन को भी इस बात की भनक है, इसलिए उसने भी रूस की पनडुब्बियों से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए वो 5 और टाइप 26 फ्रिगेट बना रहा है। उधर कतर में चल रहे फुटबॉल वर्ल्ड कप में तिरंगा उल्टा पकड़ने पर एक्टर नोरा फतेही ट्रोल हो गई। वो फीफा वर्ल्ड कप के कतर फैन फेस्टिवल में डांस करने पहुंची थी। यहां स्टेज पर परफॉर्मेंस के दौरान नोरा फतेही को नीचे से तिरंगा फेंक कर दिया गया, जिसे उन्होंने स्टेज से उठाया लेकिन उल्टा पकड़कर लहराने लगी। इसे लोगों ने तिरंगे का अपमान बताया और इस पर वो ट्रोल हो गई। हालांकि तिरंगा लहराते हुए नोरा फतेही ने देशहित के नारे लगाए। वीडियो में नोरा फतेही स्टेज से तिरंगा उठाकर उसे किसी आम कपड़े की तरह लहराती दिखी। नोरा ने जोश में तिरंगे को उल्टा पकड़ लिया और उसी तरह लहराते हुए लगातार नारेबाजी करती रही। जैसे ही ये वीडियो लोगों के बीच पहुंचा, नोरा फतेही इस पर ट्रोल हो गई। इधर जम्मू कश्मीर के उरी में सेना को बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बल ने उरी में LOC के पास एक आतंकी ठिकाने का पर्दाफाश किया और वहां से भारी मात्रा में गोला बारूद समेत ड्रग्स की खेप भी जब्त की। आतंकी ठिकाने से बरामद किए गए हथियारों में 2 AK-74 राइफल, 117 कारतूस और 2 पिस्तौल के साथ ड्रग्स के 11 पैकेट शामिल हैं, जिसकी सूचना सेना को मुखबिर से मिली थी।